को सीधे लिए चलते हैं आरंग, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छात्रावास एवं आश्रम भवनों का लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी हमारे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक ऐसे बहुत सारे हॉस्टल के आज करोड़ों रुपया के लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के कर कमलों द्वारा हुई, जेकर लिए हम सब जोरदार होकर ताली के साथ माननीय मन के स्वागत करता। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जे समाज SC और ST जे समाज ला कोई पूछत नहीं, जेकर हक अधिकार ला हमेशा छीने जात रही से। हम पिछले कई वर्षों से कई सालों से देखत आथन कि हमेशा अनुसूचित जाति के जो हक अधिकार है वो हक अधिकार ओला नहीं मिलत रही से, ओकर जो सम्मान ओला मिलना चाहिए वो सब नहीं मिलत रही से। लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला विशेष हृदय से धन्यवाद देथन कि जाति दुर्भावना के राजनीति ला खत्म करके समानता के अधिकार, हर किसी ला बराबर अधिकार, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, वो समरसता के अनुसार हम पूरा SC ST सबोला हर गरीब ला, हर किसान ला, हर मजदूर ला, हर किसी ला, आज हर किसी ला विकास के ओर लेके चलते, विकास में लेके चले जाते, विकास देते। कर लिए मैं नरेंद्र मोदी जिला और माननीय मुख्यमंत्री जिला हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम सब एससी के जो साथी पूरा भारत देश में जो निवास करता है वो सब हम सबला एक बड़े गर्व के महसूस जब हो रही से, जब हमारे एससी के जो माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब बोला राष्ट्रपति पद से सम्मानित के देश के सर्वोच्च पद से बोला सम्मानित करी, तो निश्चित ही हमारे एससी समाज के गर्व बहुत ऊंचा हो, माथा बहुत ऊंचा हो रही समय। ओकलिए नरेंद्र मोदी जी ला और भारतीय जनता पार्टी ला हम पूरा एससी समाज हृदय से धन्यवाद देता। साथ ये कर अलावा आदिवासी समाज से अभी हमर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज वर्तमान में राष्ट्रपति हवा है, तो सर्वोच्च पद से ओला भी सम्मान मिली थे। कर लिए हम सब आदिवासी SC ST समाज भी आज पूर्ण रूप से गर्व महसूस कर रहा। तो इतना ज्यादा विकास कार्य लगातार विकास के साथ हमला जोड़ा थे SC और ST ला, ये बहुत खुशी के बात है। साथ ही बोले के तो बात बहुत सारा है लेकिन समय कम है, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के उद्बोधन ला सुनबो, कर मार्गदर्शन ला सुनबो। आज आरंग विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी आए तो मैं हृदय से यहाँ स्वागत करते हुए, साथ ही हमारे आरंग विधानसभा में करोड़ों रुपए के अभी SC ST हॉस्टल के लोकार्पण करोड़ रुपए के हुआ थे। एकर अलावा अभी बहुत सारे करोड़ों रुपए के विकास कार्य हमारे यहाँ आरंग विधानसभा में दे है, जैसे कि लखौली रेस्ट हाउस का पूर्ण पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए 112 लाख रुपया मिले है, समोदा बैराज के लिए डाउन एंट्री में प्रोडेशन कार्य के लिए जीर्णोद्धार के लिए 2,67,00,000 रुपया मिले, कोल्हान नाले में कोटनी स्टाफ डैम से ठेला जलाशय तक पाइपलाइन के लिए 2,02,16,00,000 रुपया मिले है, कोल्हान नाले में बैली तालाब के पाइपलाइन के लिए 1,45,00,000 है, परसा तराई तटबंध के लिए 1,78,00,000 रुपया है, मुख्य सड़क मार्ग बेनीडी से महानदी के लिए 1,10,00,000 रुपया मिले, मुख्य सड़क मार्ग के लिए भी 2,32,00,000, धमनी स्टाफ डैम के लिए भी 2,75,00,000, महानदी मुख्य मार्ग मुख्य नहर से वितरक शाखा क्रमांक 21 एवं 23 के अंतर्गत माइनर के लिए अभी हमला 2,60,00,000, टोटल 17,99,00,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमला मिले कर लिए, विशेष हम सब हृदय से धन्यवाद देता। एकर अलावा अभी बहुत सारे और अन्य विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मिले है, जैसे कि हमारे बहुत सारे जब पहला बजट विधानसभा के जब पहला बजट हो रही समय तो हमारे बहुत सारे स्कूल ला उन्नयन भी करे गरी से, जेकर लिए लगभग 6 से 7 करोड़ रुपया स्कूल के उन्नयन कार्य के लिए मिल रही से बहुत सारे स्कूल के लिए और बहुत सारे कॉलेज के लिए भी बहुत सारे पैसा हम सबला मिले, जेकर लिए हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ला मैं हृदय से विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे आरंग विधानसभा के और कुछ मांग है, महत्वपूर्ण मांग जिला मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो मांग अगर पूरा हो जाए तो निश्चित ही आरंग विधानसभा और लाभान्वित हो ही और उत्साहित हो ही। मैं एक लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे आरंग में ही नवा रायपुर अटल नगर पढ़ते जहाँ शासकीय महाविद्यालय अभी
2021 में खुले हुए और 2021 में जो स्कूल खुले है जेमा अभी वो कर लिए भवन नहीं है और जमीन नहीं है। जमीन नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वहां जो व्यवस्था है वहां अव्यवस्था होते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि नवा रायपुर अटल नगर ग्रीन सिटी है, पूरा भारत देश के सबसे पहला 80% ग्रीन सिटी है, साथ ही हमारे रायपुर के राजधानी भी है और जहां निश्चित ही आने वाला भविष्य में अनेक निर्माण कार्य होना है और ओला आईटी हब के तौर में भी बनाए जाते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि लगभग अभी 6.5 एकड़ भूमि वहां सरकार की तरफ से दे गए है, लेकिन ओकर जो लीज के जो राशि है 2.5 करोड़ रुपया पटाना है तब वो जमीन मिल पाई। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि ये जो जमीन के लिए जो राशि ले जाते सरकार के ही है और उच्च शिक्षा विभाग के लिए ही वो जमीन ला दे जाते, कॉलेज के लिए दे जाते, तो ये राशि ला निशुल्क कर दे जाए, माफ कर दे जाए, ताकि यहाँ के स्कूल, यहाँ के कॉलेज के निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, भवन जल्द से जल्द बन जाए और बढ़िया विकास हमारे लड़का बच्चा मन वहां अच्छा से पढ़ सके। साथ ही एक अलावा हमारे सतनामी समाज के सबसे बड़े आस्था के केंद्र गिरौदपुरी धाम है। एक अलावा हमारे भंडारपुरी धाम जहां गुरु घासीदास बाबा जी के कर्म भूमि है, जहां गुरु घासीदास बाबा जी अपन जो प्रचार प्रसार है सतनाम के सत ज्ञान के जो प्रचार प्रसार है भंडारपुरी धाम से करेरी से, जेकर लगभग 40 वर्ष से वो काम रुके हुए है। जब मध्य प्रदेश शासन रही समय तो वहां विकास कार्य हो रही से होकर बाद से अभी तक वो जो गुरुद्वारा के निर्माण कार्य है वो निर्माण भी अभी तक पूरा नहीं हो पाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करो कि गुरु घासीदास बाबा जी के सम्मान करते हुए, सतनामी समाज के पूरा प्रदेश के सम्मान करते हुए हमार भंडारपुरी धाम के जो गुरुद्वारा निर्माण के कार्य ओला पूर्ण करे के घोषणा करी तो निश्चित है हम पूरा समाज खुश होबो, उत्साहित होबो। साथ ही एक अलावा एक प्रमुख मांग जो हमार आरंग विधानसभा के राजा मोरद ध्वज के नगरी है, आरंग के जो सब्जी मंडी के जेमा निश्चित ही हम पूरा आरंग के जनता जो सब्जी मंडी है जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, जिला हम सब वहां सब्जी लेल जाथन, पूरा आरंग विधानसभा के जनता सब्जी लेल जाथन, लेकिन निर्माण नहीं होने के कारण बहुत समस्या हुआ थे और भंडारी डबरी है वहां जेकर कारण कुछ त्रुटिवश वहां निर्माण नहीं हो पाते। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करता हूं यहां जतका जनसंख्या जो बैठे आरंग के एक एक नागरिक ये चाहते कि ये सब्जी मंडी जल्द से जल्द बन जाए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करूं कि ये सब्जी मंडी के निर्माण आपके द्वारा हो जाए। सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के आरंग में, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छात्रावास एवं आश्रम भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आरंग से। जाति कन्या छात्रावास और आश्रम भवन के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जमन के पास में कृषि विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी आप मन के आरंग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे रायपुर ग्रामीण मंडल के जिलाध्यक्ष श्री श्याम कुमार नारंग जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, जिला के प्रभारी अशोक पांडे जी, श्री अनिल पांडे जी, पूर्व विधायक संजय ढीढ़ी जी, श्री देवनाथ साहू जी मंडल के अध्यक्ष, श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी, श्री नंद साहू जी, श्री वेदराम खूंटे जी, ध्रुव कुमार मिर्धा जी, श्रीमती हेमलता साहू जी, श्री नरेंद्र दुग्गा जी, रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत के सीओ, मंच में विराजमान सबो हमर नेतागण, महिला नेत्रीगण, अधिकारी कर्मचारीगण और आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमर माता बहनी मन, हमर
राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाला शिक्षक वृंद और ये देश के भविष्य कर्णधार हमार सभी स्कूली बेटा बेटी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन सब कर लो। पहली तो मैं धन्यवाद देना चाहूं आप सबला। इंद्रदेव के भारी कृपा होते, लगातार बारिश होते और पूरे प्रदेश में बारिश होते, ओकर बाद भी भारी संख्या में आप मन ये कार्यक्रम ला सफल बनाए बर आए हो, एकर लिए आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप मल्ला बधाई। आज एक साथ पांचवा ठन भवन के हम लोकार्पण करे हन, पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसोद, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम आरंग, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम कोसरंगी और प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग, ये पांच ठन भवन के हम लोकार्पण करे हन। तो ये अवसर में मैं हमर बेटी मन के बहुत बहुत बधाई देत हूँ, धन्यवाद देत हूँ, मतलब शुभकामना देत हूँ कि उमन के लिए के अच्छा के छात्रावास उपलब्ध होते और मोला पूरा विश्वास है पढ़ाई ज्यादा मन लगी, अमन ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करी और अमन अपन अपन माता पिता के साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ के नाम ला भी रोशन करी। हमर विधायक जिला भी सुने हा, पूरा अपन क्षेत्र के समस्या मल्ला राखीन है और अभी हमर सरकार ला मात्र 7 महीना हुई से, ये 8वां महीना चलत है, लेकिन अपन खुद बताई नहीं कि 7 महीना में 17 करोड़ रुपया सरकार से मिल चुके हैं एक विधानसभा पर और कौन कौन काम पर मिले हैं सब ला पढ़ीन है। तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ के सरकार विकास करने वाला सरकार है और सब मांग बहुत राखीन है और सब काम ला एक साथ तो पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आज आए हूं आप मन के बीच में आरंग विधानसभा क्षेत्र में। तो एक तो शासकीय महाविद्यालय सेक्टर 28 नवा गांव के भूमि आवंटन बरोमन आग्रह करीन है, तो ये भूमि आवंटन के मैं घोषणा करत हूं। एक माइनर नली वितरक शाखा क्रमांक 1 कोड़ावार ग्रसोटा केसला धोरा भाटा तुलसी माइनर नाली निर्माण एवं जीर्णोद्धार किए जाने की भी मांग करीन है और एक लिए शायद वो क्षेत्र के हमर लोगन मन लोकसभा के चुनाव में चुनाव के बहिष्कार भी करना चाहत रहीन, बाद में नहीं करीन, तो ये काम के भी मैं घोषणा करत हूं। और एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में पदस्थ अधिकारी मन के लिए आवास के भी निर्माण होकर भी मैं घोषणा करत हूं। और आरंग के नवीन विश्राम गृह एकर विस्तार के लिए भी मैं घोषणा करत हूं, ओकर भी विस्तार हो ही। और बाकी और बहुत सारा मांग है, पर्यटन स्थल घोषित करे, सेंट्रल लाइब्रेरी और ट्रेन के स्टॉपेज वगैरह, ये सब काम ला हमन धीरे धीरे करबो है कि नहीं। अभी तो 5 साल आपन हमला सरकार में बैठाए हो ना, तो धीरे धीरे सब काम आप मन के जो है विधानसभा के वो सब काम लेके करके करबो, विश्वास है कि नहीं, विश्वास है ना। आपन छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में विश्वास करो, आपन के विधायक के ऊपर में विश्वास करो, गुरु खुशवंत साहेब के ऊपर में आपन के सब काम हर हो ही। और आज हमर सरकार बहुत काम 7 महीना में करी से, लेकिन चूंकि आज छात्रावास के लोकार्पण के कार्यक्रम में हमन आए हन, बाद में थोड़ा शिक्षा के बात करूं। शिक्षा के लिए हमर विद्वान मन कहीं नहीं कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है,
शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य के जीवन में शिक्षा के बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र में अगर मानव वाला विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। खाली नौकरी पाए के माध्यम न है शिक्षा हर, लेकिन अच्छा से व्यापार करना है, अच्छा से खेतीबाड़ी करना है, अच्छा से नेतागिरी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, तो सबके लिए शिक्षा चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जो शिक्षित मन के जीवन बीते और एक अनपढ़ के जीवन बीते, दोनों के जीवन में फर्क रहते कि नहीं? रहते ना, जीवन तो सब जीते, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति के जीवन में और एक अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में बहुत फर्क हो जाते। इसलिए मानव के जीवन में शिक्षा के बड़ा महत्व है। और शिक्षा ला हमन छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाए बर तरह तरह के उपाय करत हन। हमर जो मंत्री हैं वो भी बताई ने, आज नई शिक्षा नीति 2020 हमन लागू करे हन। हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं।